Dacă e tot dar cum acum mă simt bine. सर क्षेत्र की टीम पहुंचा है अपाती सोद ब्लॉक में पसगो नाला। ये जो नाला जो है अपाती से लेके 4 किलोमीटर पैदल आने के बाद यहाँ पे एक नाला है, यहाँ पे पहुंचा है आज एक्सल क्षेत्र की टीम यहाँ पे। तो यहाँ पे अपाती के जो गांव वाले हैं उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक जो बनाया है यहाँ पे, एक ग्लेशियर जो है यहाँ पे बनाया है जो पानी के सोर्सिंग के लिए। तो यहाँ पे अभी हमारे साथ है सरपंच हाजी पठान खान साहब। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये जो ग्लेशियर जो है आर्टिफिशियल जो यहाँ पे ये बनाने में कितना टाइम लगता है और इससे क्या फ़ायदा होता है यहाँ पे पानी के लिए। तो हाजी साहब इसमें हम 2 लाख रुपये खर्चा करेंगे, तो या तो ये 2 लाख रुपये हमें ज़ाया हो जाएगा या इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ट्रायल बेस पर हम इसको खर्चा करके इसमें ग्लेशियर बनाने की कोशिश करेंगे। वो जो सर्दी में जो पानी मतलब जो उस वक्त खेती बाड़ियों को ज़रूरत नहीं पड़ता था, वो पानी इधर से मतलब जो थोड़ा बहुत पानी जो बहता था वो ज़ाया हो जाता था, तो उनको हमने ऊपर से जो हाथ देख रहा है वहाँ से हमने पेप के ज़रिए ला के यहाँ पर ग्लेशियर बनाने की कोशिश की। पिछले साल वो जो नाले से जो बह रहा पानी है उसको हमने ग्लेशियर के ज़रिए यहाँ पर रुकाने की कोशिश किया। तो उसके बाद गर्मी में थोड़ा बहुत बन गया पिछले साल, तो गर्मी में फिर हमने लोगों से पूछा भाई इसका कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, तो उन्होंने हर मतलब पब्लिक ने बोला कि इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। फ़ायदा कैसे होता है इसमें, एक तो हमने जो बोला आपको छो बनाया उसमें कुछ पानी डालने से थोड़ा चश्मा निकल जाता है, दूसरा थोड़ा बहुत तो बर्फ़ पड़ता है उसमें से थोड़ा पानी निकल जाता है और थोड़ा इस ग्लेशियर से भी पानी निकल जाता है, तो उस पानी को ये सपोर्ट हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ जमा करते हैं तो हमें वहाँ गांव के लिए थोड़ा बहुत यानी पानी की गुजारा हो जाता है। उसमें क्या हो गया पिछले साल वहाँ के हमारे जो गांव है सोध में हमारे यहाँ 4-5 गाँव हैं 5-6 गाँव हैं उसमें से बाकी गाँव में मतलब काफ़ी सूखा पड़ गया, तो शायद गवर्नमेंट ने उनको कुछ मुआवजा भी दिया शायद, लेकिन हमारे आबादी में सूखा नहीं इस ग्लेशियर की वजह से, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत पानी हमारे जो नाले में पानी है उसको सपोर्ट हो गया। उस इसको क्या होता है दोनों, ये दिसंबर जनवरी फरवरी ये 3 महीना जो है जो ग्लेशियर बनाने का टाइम होता है, बारिश के बाद तो पिघलना शुरू हो जाता है। अच्छा दिसंबर से पहले ये जमता नहीं है, तो ये दिसंबर जनवरी फरवरी ये 3 महीने में पानी जमता है। लगभग अपाती गाँव से यहाँ जहाँ पे अभी हम जो ये ग्लेशियर है यहाँ पे 4 किलोमीटर जो है पहाड़ ऊपर चढ़ के आना, 4-5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ चढ़ के आना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे ये ग्लेशियर जो है इन्होंने बनाया है, ये जो है फ़ायदा मिल रहा है। तो इससे पहले भी आइस तोपा के नाम से 1-2 ग्लेशियर बना है, तो उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो ये लोग आने वाले दिन में ये जो ग्लेशियर इसको हाई लेवल पर बनाना चाहता है, जिससे बिल्कुल सोत इलाके में पानी की जो सप्लाई है वो अच्छा हो, क्योंकि आप सबको पता है सोत इलाका जो है यहाँ पे बिल्कुल पानी का बहुत किल्लत रहता है। एक्सेलसियर न्यूज़ के लिए करगिल से बशारत लताखी।